नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज। अभी हमारे पास 6.5 क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई, यहाँ पर ये कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और गिवन सरफेस। आपको इस चीज़ को, ये क्लू होता है यहाँ पर, इस क्लू को आपको पकड़ लेना चाहिए कि भाई उसने बोला है यहाँ पर वर्ड गिवन सरफेस, यानी कि आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो गिवन सरफेस से निकालनी है, ठीक है। अच्छा, सरफेस होता क्या है? देखिए सर, यहाँ पर आप कलर करिए, यहाँ पर ये सारे हिस्से पर कलर करिए, तो ये हिस्से पर कलर करना, अगर आप यहाँ पर कलर कर रहे हैं, कागज़ चिपका रहे हैं, और ऊपर और नीचे ये दो हिस्से आपने, दो सर्कल छोड़ दिए, तो ये कहलाता है उसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं 2πRh। और अगर आपने यहाँ पर भी कागज़ चिपका दिया, कलर करा है, कुछ इसे कवर कर दिया, तो ये जो होता है टोटल का टोटल, अब ये आपके पास जो टोटल आ गया है, ये एक एरा और एक एरा, और ये सर्कल है πr² πr² यानी दोनों का कितना हो गया है 2πr², तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, सिलेंडर का, वो क्या रहता है 2πrh + 2πr². बात समझ रहे हैं? ये इसका क्या होगा? तो हमारे पास गिवन था कि भाई उसका सरफेस एरिया गिवन है, और जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर सिलेंडर का आ रहा है वो हमारे पास आएगा 2πr² + 2πrh, ठीक है। अच्छा, किसके ऊपर काम करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम होता है इसका, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल, यानी हाइट के रेस्पेक्ट में आपने काम करना है, हाइट के अंडर आपने काम को चालू रखना है। तो चलिए चालू करते हैं काम को। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस यानी रेडियस का डबल। तो रेडियस और हाइट पे आपने चेंजिंग रेशियो बताना है कि किस तरह से रहेगा, और मैक्सिमम को क्या बताना है कि वॉल्यूम उसका मैक्सिमम आएगा। तो चलिए यहाँ से पहले आप एच की वैल्यूज को आर पे निकाल लीजिए, या आर की वैल्यूज को एच पे निकाल लीजिए। सिंपल ये पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पर इस तरह से h की वैल्यूज को फाइंड कर लो। तो h इक्वल टू क्या होगा, s − 2πr² / 2πrh, ये आपने यहाँ पर h तो वही है, ठीक है, 2πr नहीं, ये ऑप्शन आ गया आपके पास h। और वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो कितना रहता है, πr² h रहता है, πr² और h की जगह पे आप क्या वैल्यू ले आएंगे, ये वाली, ठीक है, ये आ गया है s − 2πr² / 2πr। देखिए सर कितना सिंपल है, कैंसिल करिए, पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, r से एक r कैंसिल हो गई, और आपके पास 1/2, ये तो नीचे यहां पर बचा 1/2, और r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया sr − 2πr³, ये आपके पास आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ v, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू r, r के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास 1/2, और जब आप s का डेरिवेटिव करेंगे, r का डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया s, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × 2 = 6π, और एक पावर कम हो जाएगी r². फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपने क्या रखना होता है कि जो ये आपका डेरिवेटिव आया है इसको आप 0 के इक्वल रखते हो, यानी 1/2 s − 6πr² = 0, तो आपके पास हो गया ये 1/2, यहाँ पर 0 के नीचे लेके जाएंगे फिनिश, तो 6 s − 6πr² = 0, तो s = आपके पास आ गया 6πr², और ये जो आपके पास आया है 6πr², इसकी वैल्यूज को आपको कहाँ रखना है पता है ना, यहाँ पर, तो आपके पास s की जगह पर आपने वैल्यूज रख दी, और कितनी रखी, 6πr² − 2πr² / 2πr और इक्वल टू h। जब आप इसे माइनस करते 6 में से 2 गए तो 4πr² आपके पास अपोन में 2πr = h, तो कैंसिल करिए, 2 × 2 = 4, पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, और एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे, तो 2r = h, और 2r किसे कहते हैं, 2r कहते हैं डायमीटर को, यानी जो आपका डायमीटर है वो इक्वल टू किसके बराबर आ गया है, हाइट के बराबर आ रहा है, और यही हमने कहा था कि मैक्सिमम तब होगा जब इसकी हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर होगा,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये मैक्सिमम है या नहीं है, तो हम इसे किस तरह से सोल्व करते, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, छोटा सा काम होता है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग टू, जो आपके पास ये आया, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएटिंग आप कर लीजिए, ये रहा यहाँ पर है, ये रहा। तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव आया था पहले वाला, इसको दोबारा से डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, तो आपके पास आ गया है डी स्क्वायर वी अपोन में डी एक्स डी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 1/2 तो वही रहेगा, एस क्या है कॉन्स्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 माइनस के 12 पाई आर। अब देखिए नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन है आपके पास, अगर ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा वॉल्यूम है इसका मैक्सिमम रहेगा, किस कंडीशन में, जब इसकी हाइट इक्वल टू इसके डायमीटर के बराबर रहेगी, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम को अटेन करेगा। थैंक यू।